क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन रुपीज 1500 फॉर 3 ईयर्स इज रुपीज 13.5। सो डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1500 रुपीज़ पे 3 ईयर्स में दो सोर्सेज से यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और इन दोनों सोर्सेज का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 13.5 रुपीज़। सो यहाँ पर इन सोर्सेज के रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम दोनों सोर्सेज पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उनका रेट परसेंट मान लेते हैं R1 एंड R2। सो अगर R1 इंटरेस्ट पे सम को दिया जाता है तो यहाँ से अगर इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें हम 3 ईयर्स का, इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। सो रेट है हमारे पास R1% और टाइम है 3 ईयर्स का। सो यहाँ से हमारे पास रेट परसेंट आ रहा है 3R1%। यह है हमारा 3 ईयर्स का इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अगर R2% पे अगर सम को दिया जाता है तो यहाँ पर हम इफेक्टिव अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें 3 ईयर्स के लिए, सो यहाँ से हमारे पास ये आएगा 3R2%। सो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है 3R1 माइनस R2%। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों सोर्सेज के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 13.5 रुपीज़। दैट मीन्स प्रिंसिपल है हमारे पास 1500 रुपीज़। सो अगर इसका 3R1 माइनस R2% लें तो ये हमें गिवन है 13.5 रुपीज़। नाउ इसको अगर सिंप्लीफाई करें ये आएगा 1500 इंटू 3R1 माइनस R2, परसेंट हटा के नीचे आएगा 100 इक्वल टू 13.5। सो यहाँ से ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, सो ये जाएगा 3 पे, यहाँ पर आएगा 4.5 और ये यहाँ पर जाएगा 0.3 में। सो यहाँ पर हमारे पास R1 माइनस R2 का डिफरेंस आ रहा है 0.3%। दोनों के रेट्स का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 0.3%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 0.3%।